सर मुख्यमंत्री जी सुपर है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि क्या यह सही है 38,000 बच्चों में 20 ठो रूम, 1200-1500 एक सब्जेक्ट पर मात्र एक प्रोफेसर, कोई हॉस्टल नहीं, जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में। पाठक साहब ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं, बड़ी मछली को पकड़िए ना। जब आपके पास 1,000 बच्चों के लिए क्लास नहीं है तो आप कैसे 75% आप बात करिएगा। बच्चे को आत्महत्या पर मजबूर मत करिए। वित्तरहित कॉलेज वाले आज तक उसको आपने, आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप परमानेंट करिए। है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा कि आप अपना कैलेंडर बनाइएगा छुट्टी का, गवर्नमेंट का कैलेंडर लागू हो और गवर्नमेंट इस पर क्यों रोकती नहीं है इन्हें। आप टीचर को मेंटल टॉर्चर कीजिएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जाप सिप्रोमो पप्पू यादव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जमकर बरसे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से वो नए नए फरमान ला रहे हैं, शिक्षकों के वेतन रोक रहे हैं, उसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सजेशन दे रहे हैं। पहले क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। सर कौन आवाज उठाते कौन नहीं आवाज उठाते मुझे नहीं मतलब। पप्पू यादव पहली बार हम शिक्षा मंत्री की मर्यादाएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपमानित किया है ये बिल्कुल गलत है। ये अलग बात है कि शिक्षा मंत्री का क्या, उनके पीए का क्या, सब एक तरह नहीं होते हैं। मैं नहीं मानता कि शिक्षा मंत्री चोरी कर रहे होंगे। आप ईमानदार शिक्षा मंत्री चोर ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन हेड को आप अपमानित कीजिएगा तो उस हेड की मर्यादा खत्म हो जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री तो तारीफ किया है, क्या बहुत अच्छा काम किए कर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री जी सुपर है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि क्या यह सही है 38,000 बच्चों में 20 ठो रूम, 1200-1500 एक सब्जेक्ट पर मात्र एक प्रोफेसर, कोई हॉस्टल नहीं। हमारा स्टूडेंट विंग हॉस्टल के लिए, रूम रेंट के लिए, प्रोफेसर की बहाली के लिए और 8,000, 18,000, 12,000 जितना रूम चाहिए उसके लिए 75% नहीं 80% आप लीजिए, एकदम लेना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के माहौल को कंडक्ट करिए। सिर्फ बिना पढ़ाई के 75% हाजिरी या भ्रष्टाचार को दर्शा। जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में। पाठक साहब ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं, बड़ी मछली को पकड़िए ना। सारे नेताओं के स्कूल कॉलेज है उसको पकड़िए ना। नेता आपको नहीं दिख रहा है कि कौन रूल फॉलो कर रहा है। स्कूल कॉलेज होना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, सारे पदाधिकारी के स्कूल कॉलेज हैं। कहावत है, वो उस नाम नहीं लेंगे, भैया से न जीती था भौजी के, वो बात नहीं करेंगे। वही हाल आपका है। आप अच्छा काम करिए, पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है प्राइवेट कोचिंग के सवाल पर, लेकिन कोचिंग की शुरुआत किए बगैर नहीं। एक कोचिंग में, एक क्लास में 400-400, 300-300 बच्चे को पढ़ाया जाता है खड़े होकर के।
अरबों खरबों रुपया कमाया जाता है। कुकुर मुत्ते के तेरा कोचिंग है, लेकिन अहंकार में नहीं, कानून में रह करके काम करिए। 38,000 जीडी कॉलेज बेगूसराय का क्या जवाब है आपके पास, जब आपके पास 1,000 बच्चों के लिए क्लास नहीं है तो आप कैसे 75% आप बात करिएगा? बच्चे को आत्महत्या पर मजबूर मत करिए। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पर जबरदस्ती अपना डंटा मत चलाइए। आपसे इसीलिए टीचर डरता है कि दोबारा वो नौकरी नहीं पा सकता है, अन्यथा ये गलत है। जो टीचर वित्तरहित कॉलेज वाले आज तक उसको आपने, आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप परमानेंट करिए। है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, जाइए आप, लेकिन आप पहले ऊपर से झाड़ू दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, हॉस्टल दीजिए, लैब दीजिए, 100% में 90% प्रोफेसर दीजिए। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान मियां हिंदू से कुछ नहीं होगा, सिविल लॉ से कुछ नहीं होगा। और यदि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टूडेंट पर आपने दबाव बनाया तो पप्पू यादव आपके खिलाफ सड़कों पर होगा। धन्यवाद। दूसरी चीज, एक कॉलेज में 18,000, कहां गए यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कुणाल पांडे? एक कॉलेज में 18,000, 18,000 एक कॉलेज में स्टूडेंट है, और 4,000-3,000 का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 4,000-3,000 स्टूडेंट बाहर में रह करके खड़े होकर के पढ़ते हैं, खड़े होकर। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप बच्चे को मारना चाहते हैं? कौन दोषी है एग्जाम के समय जबरदस्ती ठूस के आपने समस्तीपुर में गरीब बच्चे को मार दिया? समस्तीपुर में मौत हो गई है, कौन दोषी है? आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा क्या? आप अपना कैलेंडर बनाइएगा छुट्टी का, गवर्नमेंट का कैलेंडर लागू हो और गवर्नमेंट इस पर क्यों रोकती नहीं है इन्हें? आप टीचर को मेंटल टॉर्चर कीजिएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? 3 महीने से आप तनख्वाह रोके हुए हैं, क्यों पढ़ाता नहीं है? क्यों दे तो पढ़ाता नहीं है तो बर्खास्त कर दीजिए, दूसरा रोजगार करेगा वो। आप काम भी लीजिएगा उसको पैसे नहीं दीजिएगा तो क्या उसकी बीवी बाल बच्चे मरे? करिए ना नरेंद्र मोदी इस पर। 67% डॉक्टर नहीं है पाठक जी, लैब नहीं है कॉलेजों में। 10,000 स्टूडेंट के लिए केवल मात्र 20 कमरे हैं, मात्र 20 कमरा, जबकि कम से कम सेक्शन वाइज बातें की जाए तो 90 कमरे की जरूरत है सेक्शन वाइज। पूरे कमरे में पाठक जी जवाब दे दीजिए, सभी महाविद्यालय में स्पोर्ट्स एवं कल्चर की सुविधा नहीं है, जिससे बहुत बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक दो महाविद्यालय को छोड़कर लगभग किसी महाविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, और जिसमें है उसका अनुपात बहुत कम है, जिसमें सभी छात्र महंगा जगह पर रेंट लेकर के रहता है। हम चैलेंज करते हैं आपको, आप स्टूडेंट बाहर ना रहे इसके लिए हॉस्टल का निर्माण करिए और एक सेक्शन में 90 बनाने की बात करिए। शिक्षा विभाग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 75% उपस्थिति कैसे करवाएंगे?
कैसे पढ़ेंगे और उसका विकास कैसे होगा। हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष यहां बैठे हैं, एक मारवाड़ी कॉलेज में 18,000 ना कहा 12,000 20 कमरा मात्र। तो आपने सुना पप्पू यादव किस तरह से कह रहे हैं कि जो के पाठक जो नए नए फरमान ला रहे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, हम उसका तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पहले तो अपनी जो व्यवस्था है उसे सही करें। एक 12,000 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर रह रहे हैं, इन सब मुद्दे को लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सजेशन दे रहे हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।